नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, निष्ठा ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट जल्द ही होने वाला है। जैसे ही उन शिक्षकों के जिनके एक या दो प्रशिक्षण छूट गए थे, उनके प्रशिक्षण कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक साथी इस टेस्ट में 60% मार्क्स ले आएंगे, उनको निष्ठा की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, जरूरी है इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। इसके लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। इस सीरीज की मैं 12 वीडियो बना चुका हूँ। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आता हूँ, और अगर मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आप इन 10 प्रश्नों को प्रतिदिन कर लेंगे, तो आप 60% बड़े आराम तरीके से उस टेस्ट में ले आएंगे। तो साथियों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन केवल आपको 10 प्रश्न याद करने हैं। तो आज हमारा ये पार्ट नंबर 13 है। इसमें भी हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जो आपके निष्ठा ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी करने में मददगार होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे आज के भी 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मॉड्यूल नंबर 5 से ही रिलेटेड हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ICT उपकरण तभी कारगर साबित होता है जब इसका उपयोग विषय वस्तु एवं फिल इन द ब्लैंक्स पद्धति के साथ उचित रूप से होता है। नंबर 1 भौतिक संसाधन, नंबर 2 गतिविधियों, नंबर 3 शिक्षण अधिगम, और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, ICT उपकरण जो होता है आपका तभी कारगर होगा जब इसका उपयोग आप विषय वस्तु में करें, और इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम दोनों में आप इसका उपयोग उचित रूप से करें, तब ये कारगर आपका साबित होता है। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, शिक्षण अधिगम। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, ICT को एकीकृत करते समय किन मापदंड का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम के तरीके, इसका तो ध्यान रखा जाना चाहिए। तकनीकी उपकरण, ई सामग्री के प्रकार और विशेषताएं, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विषय वस्तु का स्वरूप, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन विश्लेषण नहीं करना, विश्लेषण तो करना चाहिए लेकिन विश्लेषण नहीं करना, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो इस पे ही हम क्लिक करेंगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, शिक्षार्थी बेहतर तब सीखते हैं जब उन्हें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक फिल इन द ब्लैंक शामिल करने का अवसर मिलता है। भौतिक संसाधन, ज्ञानेंद्रियां, अवधारणा या गतिविधि। तो साथियों, शिक्षार्थी बेहतर तब सीखेंगे जब वे अपनी एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करें, यानी कि अपने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अगर इनमें से एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय अगर वे यूज कर रहे हैं, तो वे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। तो इसका आंसर सेकंड सही होगा, ज्ञानेंद्रियां। इस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संचार के शिष्टाचार हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन न करना, उपरोक्त सभी। शिष्टाचार से हमारा मतलब होता है जिस तरह से हर चीज का शिष्टाचार होता है, यानी कि एक्ट होता है, इसी तरह से संचार के भी शिष्टाचार होते हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, जैसे आप किसी कॉपीराइट का उल्लंघन न करें। मान लीजिए किसी चीज़ पे कॉपीराइट है, तो आप उसका उल्लंघन ना करें। जैसे डेटा सीमा का ध्यान रखें, आपको कितना डेटा मिला हुआ है उसका ही आप उपयोग करें। इसके साथ साथ गोपनीयता का भी सम्मान करें, अगर मान लीजिए किसी गोपनीयता चीज़ें हैं उनका भी आपको सम्मान करना चाहेगा। तो ये आपके संचार के शिष्टाचार होते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं स्वयं के बनाए हुए एवं वायरस से मुक्त, स्वयं के बनाए हुए एवं वायरस युक्त, चोरी किए हुए एवं वायरस युक्त, चोरी किए हुए एवं वायरस से मुक्त। तो जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, सबसे खास बात तो उनकी ये होती है वे चोरी के हुए होते हैं, यानी अगर आप चोरी किए हुआ कोई सॉफ्टवेयर है तो उसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहेंगे। और इसके साथ साथ ये वायरस से युक्त होते हैं, इनमें वायरस भी होते हैं,
तो इसलिए इसका आंसर आपका थर्ड सही होगा, चोरी किए हुए एवं वायरस युक्त। तो इसके थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 6 है, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय किस मॉड्यूल का नाम है? मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 6 या मॉड्यूल 5? हमारे मॉड्यूल 5 हमारा चल रहा है, इसी से रिलेटेड प्रश्न मैंने कल बताए थे 10 प्रश्न, और इसी से रिलेटेड हमारे आज के प्रश्न हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, ई सामग्री की व्यापक श्रेणियां हैं, एनिमेशन ये भी हमारी ई सामग्री में आती है, ऑडियो ये भी इसमें ही आता है, वीडियो भी उसमें आता है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा, यानी ये सभी आपकी ई सामग्री की श्रेणियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, PPT का विस्तारित नाम है पावर प्रैग्मेटिक प्रेजेंटेशन, पावर पेटियोस प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो पीपीटी का आपका फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है, कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम या प्रोग्राम। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरह से निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है, क्योंकि हार्डवेयर तो उसके फिजिकल पार्ट होते हैं, रैम उसकी मेमोरी होती है, प्रोग्राम भी एक तरह से छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इसका आंसर हमारा सॉफ्टवेयर होगा, तो सॉफ्टवेयर पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, इसके सोर्स कोड का प्रयोग सभी कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसके सोर्स कोड का प्रयोग कोई नहीं कर सकता, इसके सोर्स कोड का प्रयोग कुछ लोग कर सकते हैं। तो साथियों जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वे इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहली बात तो वे फ्री होते हैं, यानी फ्री का मतलब उनको सभी कोई यूज कर सकते हैं, यानी उनके जो सोर्स कोड होते हैं उनका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं और कितना भी कर सकते हैं। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि ओपन सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड का प्रयोग सभी कर सकते हैं। तो साथियों ये 10 प्रश्न हैं, इसी तरह मैं प्रत्येक दिन 10 प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ, और आपको कुछ नहीं करना, या तो आप इनके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है। और अगर आप प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों को करते रहे तो आप 60% मार्क्स बड़े आराम से, 60 क्या 80 तक आप आराम से ले आएंगे, क्योंकि मैं मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सभी मॉड्यूल का अध्ययन इसी तरह से करा दूं 10-10 प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।